जेट एयरवेज के 1000 से अधिक पायलट ने विमान नहीं उड़ाने पर अडिंग रहने का फैसला लिया है। जेट एयरवेज के पायलटों की यूनियन नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने कहा था कि अगर वेतन नहीं मिला तो 1 अप्रैल से पायलट विमान नहीं उड़ाएंगे। 19 मार्च को इस ट्रेड यूनियन के 1100 सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था। उन्होंने खत में प्रधानमंत्री से कहा था कि हस्तक्षेप करे और प्रबंधन से कहे कि पायलट का बकाया दे। इस खत में इन सदस्यों ने कहा था, अनिश्चितता और वित्तीय कठिनाइयों से अधिक तनाव हो रहा है। पायलटों के बिना वेतन के विमान ना उड़ाने के ऐलान के कुछ दिन बाद ऋण से उबारने की योजना के तहत एयरलाइन प्रबंधन SBI नीट बैंक संघ के हाथों में चला गया था। इससे पहले नरेश गोयल ने जेट एयरबेस के बोर्डर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफा के बाद भी कंपनी पर से संकट नहीं गया। चेयरमैन पद छोड़ने के साथ ही जेट एयरबेस में नरेश गोयल की हिस्सेदारी घटकर आधी रह गई है। पहले कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 51% थी, जो अब 25.5% पर आ गई है। उन्होंने कर्ज को परिवर्तित करा के लिए 11.4 करोड़ इक्विटी शेयर कर्जदाताओं को देने पड़ेंगे। इसके बदले बैंक ने कंपनी को तत्काल प्रभाव से 1500 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई। कंपनी की साझेदार एतिहाद एयरबेस के पास अभी भी 24% हिस्सेदारी है।